दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन गोविंदपुरा विधानसभा में सज्जन सिंह परमार के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विजय मार्केट स्थित यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई व्यापारी बंधुओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। लगातार सज्जन सिंह परमार गोविंदपुरा विधानसभा में अपनी सक्रियता बना रहे हैं। बीच में मनाने आए कृपया सभी लोग 10 मिनट का समय दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन खुशी क्षणों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी लोगों से निवेदन, व्यापारी बंधु, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोविंदपुरा विधानसभा में बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया। सुबह से ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगह जगह उनका जन्मदिन मनाया गया। गोविंदपुरा की हम बात करें तो लगातार यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए नजर आ रही है और प्रतिदिन कोई न कोई आयोजन सम्पन्न कर रही है, जहाँ व्यापारियों के और आम जनता रुझान भी अब आम आदमी पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे लोकसभा प्रत्याशी रीना सक्सेना जी से, क्या आम आदमी पार्टी क्या योजना है? 230 सीट पर पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हम लोगों को पूरा सहयोग मार्गदर्शन मिल रहा है। इसी सिलसिले में 20 अगस्त को अरविंद केजरीवाल जी उज्जैन और इंदौर के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे ही वो हर विधानसभा में दौरे लगाएंगे, पदयात्राएं होंगी और तेजी से बूथ निर्माण तो हो चुका है, बाकी और कार्यक्रम जो दिल्ली से आते जाएंगे वो होते जाएंगे। हमारे साथ में युवा चेहरा गोविंदपुरा विधानसभा लगातार प्रयासक सज्जन सिंह परमार, हम उनसे जानना चाहेंगे आगे क्या रणनीति रहेगी और किस प्रकार गोविंदपुरा का किला फतह करेंगे। देखिए, आज हमारे जननायक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है, इसी उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए। गोविंदपुरा विधानसभा की टीम ने आयोजित किया, जिसमें सारे पदाधिकारी हमारे प्रदेश के और हमारे जिले के जो भी थे सब आए हुए हैं। आज हमने उनके जन्मदिन पे प्रण लिया है। भोपाल की सातों विधानसभाओं के अंदर हम बदलाव यात्राएं चालू कर रहे हैं, जो कि कल से ही चालू हो जाएगी और हमारे प्रभारी जून साहब जो आ रहे हैं और उनके द्वारा उनको साथ में लेके और हमारे जो प्रभारी उनको लेकर हमारी पूरी टीम और हर ब्लॉक के अंदर, हर विधानसभा के हर ब्लॉक के अंदर हमने बदलाव यात्रा जो पैदल यात्रा निकालेंगे और कल से चालू हो जाएगी। आज उनके जन्मदिन पे आज 8 लोगों ने यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करी है और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के मिशन से जुड़े और एक मौका केजरीवाल जी को दें, ऐसी हमारी सबसे अपील है भोपालवासियों से। और हमारी जो भी पदाधिकारी रहे हैं, बदलाव यात्रा रहे हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में आए और सफल बनाए। जय सातों विधानसभा से ज्यादा आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि गोविंदपुरा विधानसभा में पिछले 50 सालों से एक ही परिवार का राज है और लोगों ने मन में ठान लिया है कि हमें बदलाव करके रहना है। अभी तक क्या है कि पब्लिक बड़ी परेशान हो चुकी है, दोनों ही पार्टियां हैं, भाजपा कांग्रेस, इसको लेके वोटर्स अपने आप को इतना महसूस समझ रहा है। पिछली बार कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने मन बनाया था कि इनको भ्रष्टाचारियों को उखाड़ के फेंकना है, उनको बाहर करने के लिए अपना वोट कांग्रेस को दिया, मगर बात वहीं की वहीं रही। कांग्रेस वाले उनके साथ बिकाऊ, कांग्रेस की जो विधायक थे वो चले गए और पार्टी फिर भाजपा की बन गई। तो आज जनता अपने आप को इतना ज्यादा ठगा महसूस समझ रही है और वोटर तो अपने आप को इतना ठगा महसूस समझ रहा है, उन्हें बदलाव चाहिए और उन्हें केजरीवाल जैसा एक नेता चाहिए। उन्होंने ठान लिया है इस बार 100% आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश बना के रहेगी। जिस प्रकार गोविंदपुरा विधानसभा में लगातार आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कड़ी चुनौतियों का सामना
करना पड़ सकता है। अब देखना ये है कि जनता किसे अपना सरताज बनाती है, और वास्तव में जिस प्रकार सज्जन सिंह परमार लगातार गोविंदपुरा सीट पर अपना रुझान व्यक्त कर रहे हैं, और जनता भी यहाँ आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि 2023 में मध्य प्रदेश में बदलाव के आसार देखे जा सकते हैं। हेडलाइन 24 संतोष।